हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इंडियन इश्यूज की सीरीज में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल जी की लेटेस्ट स्टेटमेंट है, वो है करेंसी नोट्स को लेकर। और करेंसी नोट्स के ऊपर उनका बयान आया है कुछ, और उनका क्या मानना है कि इससे इम्प्रूव होगी करेंसी। इंडोनेशियन रुपीज़ का उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इनकी दी हुई स्टेटमेंट सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, इन सभी कारणों को हम समझेंगे बारीकी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि पुट पिक्चर्स ऑफ लक्ष्मी एंड गणेश ऑन करेंसी नोट्स। यहाँ पे काफ़ी दरख्वास्त की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने बोला है पीएम से, एक बाकायदा अपील की है कि आप पिक्चर्स हैं लक्ष्मी और गणेशा के, वो करेंसी नोट्स के ऊपर रखिए। दरअसल क्या हुआ, केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी केंद्र सरकार और पीएम से अपील है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है उसको वैसे ही रहने दें। यहाँ पे उन्होंने गांधी जी की जो तस्वीर है उसको वहीं पे रहने के लिए कहा है। दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी पर लगाई जा सकती है, इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। हम यह नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जो नोट छपते हैं उनके ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे ये सर्कुलेशन में ये नए नोट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिफरेंट करेंसी नोट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, उसमें अलग अलग सीरियल नंबर के नोट्स होते हैं जिसपे बाकायदा अलग अलग इमेज यूज किए जा सकते हैं। अभी नए नोट्स छपने वाले हैं, तो इस वजह से केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दी है। और इनका मानना है कि जो सभी नोट्स को न बदला जाए उनकी इमेजेस को, लेकिन कुछ सीरियल्स के नंबर के नोट्स को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल देते हुए केजरीवाल ने कहा कि वहाँ के इंडोनेशियन जो रुपीज़ हैं उनके ऊपर आप गणेश की फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और जहाँ 2-3% सिर्फ आपको हिंदू मिलेंगे। और लेकिन ऐसे देश में नोट्स पर टेंपल की फ़ोटो पाई जाती है और गणेशा की फ़ोटो आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे केजरीवाल ने कहा कि वहाँ 2% से भी कम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर को छाप रखा है। ये बहुत ही अहम कदम है जो केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। हम लोग अक्सर प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद ना हो तो वे प्रयास फलीभूत नहीं होते। इसलिए मेरा सुझाव जो है हमारे मन में आया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें केजरीवाल की इस आर्ग्यूमेंट का, अगर हम फेवर की बात करें, तो इनकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है। इंडियन जो रुपीज़ है, करेंसी नोट है, जो जिस पे गांधी जी की फ़ोटो छपती है, वो काफ़ी समय से छपती आ रही है, वहाँ पे सर्टेन कैटेगरी सर्टेन सीरियल नंबर के जो नोट्स हो सकते हैं उन पर अलग स्वतंत्रता सेनानी हैं जो उनकी फ़ोटो और इमेज वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। काफ़ी बार लोगों ने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की इमेज को नोट्स के ऊपर होने के लिए काफ़ी अपीलें भी हैं, काफी दरख्वास्त भी केंद्र सरकार से की हैं, लेकिन वो सही रूप नहीं बन पाई। यहां पे जो रिक्वेस्ट की है केजरीवाल ने वो देवी देवताओं की फोटो से लेकर है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अगर इंडिया एक हिंदू कल्चर देश है यहां पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह की यह दिया जा सकता है कि उन पे देवी देवताओं की फ़ोटो लगाई जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंडिया एक मल्टीकल्चरल नेशन है, जहाँ पे अगर आप किसी एक विशेष धर्म के किसी देवी देवता या गोडेस को वहाँ पे लगाओगे, तो वहाँ पे दूसरे धर्म की देवी देवताओं की भी लगाने की जो आवाज़ें हैं वो सर्टेन सेक्शन में उठाई जा सकती हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग सेक्शन के लोग, अलग अलग देवी देवताओं की इमेज जो वो पूजा करते हैं उनकी जो फ़ोटो है उनकी लगाने की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, डाइवर्सिटी है इंडिया में। इस वजह से यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की फ़ोटो या फिर करेंसी नोट्स पे होना अभी के लिए तो संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारी जो रूट है, इंडिपेंडेंस की रूट है 1947 से ही, तो वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों की इमेजेस वहाँ पे लगाई जा सकती हैं, जो कि जिसमें पूरी इंडिया को कहीं पे भी आपत्ति नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पे इसका पूरा मसौदा ये है। तो अगर हम बात करें, केजरीवाल का आर्ग्यूमेंट है कि इससे हमारी जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू थोड़ी सी अपग्रेड होगी, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशिया जो वहाँ पे उसकी करेंसी की बात करें तो 1 रुपये 189.67 के आसपास हो चुका है। तो यहाँ पे जो उनका एक आर्ग्यूमेंट
कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। एक फेथ का मैटर होता है जहाँ पे हम इस तरह की कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन अभी इंडोनेशियन रुपीज़ की यहाँ पे हम वैल्यू आपको दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल का कि जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो बूस्टअप होगा। अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो इंडियन जो ग्रोथ रेट है, GDP की ग्रोथ रेट है, वो अलग अन्य कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, चाइना भी 4.4 पे लगा हुआ है, USA 1% पे लगा हुआ है, और जर्मनी जहाँ पे 0.3 की बढ़ोतरी से लगा हुआ है, वहाँ पे इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6.6 के आसपास चल रही है। मैं इसको कुछ ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी जो और देशों की कंपैरिजन में ग्रोथ रेट अभी ठीक ठाक चल रही है। तो यहाँ पे जो केजरीवाल का दिया हुआ स्टेटमेंट एक गुजरात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, तो एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है और या फिर नहीं भी हो सकता। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस तरह की मांग रखना कहां तक जायज़ है, आप अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। यहां पे अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहां पे इंडोनेशिया जो है उसकी रैंक है 114 और इंडिया की रैंक आपको देख सकते हैं हमारे सामने वो है 132। तो यहाँ पे इसका करेंसी से वैसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही हमने जस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और उसकी जो रुपीज़ है करंट सिनेरियो उसकी जस्ट थोड़ी सी कंपैरिजन करके देख ली। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत की गई स्टेटमेंट है, या फिर एक जेन्युइन एक सच्ची रिक्वेस्ट है उनकी। तो अगर आप देवी देवताओं की मांग को कितना जायज़ ठहराते हैं, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जो है, भगत सिंह की जो इमेज है वो नोट्स पर आप कितना जायज़ ठहराते हैं, तो आप अपनी कमेंट ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, हमें आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपका दिन बेहद ही खूबसूरत रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।